In chapter 6, that is lines and angles, we learn few important things. What were those? बहुत सिंपल वे में समझते हैं. हमने देखा था, सपोज दीज आर टू लाइंस, इनके नाम दे दें एम एंड एन. ये दोनों लाइन पैरेलल भी हैं मान लो, और हमने कहा था यदि पैरेलल नहीं भी है, ठीक है, हो सकती है. तो दो लाइंस को जब एक थर्ड लाइन काटती है, एल लाइन काटती है, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन. सपोज एम एंड एन दोनों पैरेलल हैं तो क्या बनाएंगी? बहुत सारे एंगल्स बनेंगे. तो पैरेलल लाइन के केस में या नॉन पैरेलल में भी एंगल्स तो इतने बनेंगे, बट यदि दो लाइन एम एन एन पैरेलल हैं और एक लाइन ट्रांसवर्स कट कर रही है, तो ये जो एट हमारे डिफरेंट एंगल्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं. क्या क्या रिलेशंस होते हैं? लेट स्टार्ट. सो जैसे ये एंगल वन बना, एंगल वन क्या है? इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल हमने क्या सीखा था? एंगल लेस देन 90. वेयर एज देखो ये वाला एंगल कौन सा है, नंबर टू. ये एंगल क्या है? इट इज ग्रेटर देन 90. इसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल. व्हाई? इट इज मोर देन 90 बट लेस देन 180. एक चीज हमने याद की थी, ए अल्फाबेट में पहले आता है, तो छोटा एंगल एक्यूट और मोर देन 90 इज ऑलवेज कॉल्ड ऑब्ट्यूज. देन इन दोनों एंगल को यदि मैं एक साथ देखूं, तो देखो वन एंड टू क्या है, इनको हम क्या बोल सकते हैं? एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल मीन्स वन एंगल और जो दोनों एंगल है एक दूसरे के नेबर हैं. नेबर यदि जो ही होता है, पड़ोसी मतलब क्या होता है? आपका घर ही है, उसका घर ही है, तो बीच की जो दीवार होती है, एक दीवार क्या होती है? कॉमन. सो वी विल हैव वन लाइन और वन रे कॉमन इन बोथ द एंगल्स, तो इनको एडजेसेंट एंगल्स ही बोलते हैं. और क्या समझा हमने? ये यदि ये स्ट्रेट लाइन है, उस पर ये डिवाइड कर रहे हैं, तो ये एंगल वन और टू क्या बना रहे हैं? वी कॉल दम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. वाई? बिकॉज वन और एंगल और टू का जो सम होता है कितना होता है? 180 डिग्री. इसका एक और नाम दिया गया था, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो उनको क्या बोला जाता है? सप्लीमेंट्री एंगल. तो दिस इज ट्रू. यदि 180 दो एंगल का सम, यदि ऐसे दो एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, पर इनका एंगल का सम 90 हो, तो क्या बोलते हैं उसको? हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स. इस केस में तो 180 है, बट यदि दो एंगल ऐसे जो एडजेसेंट है एक दूसरे के साथ है, उनका सम 90 हो, तो क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल्स. एंगल वन और एंगल थ्री जब ये लाइन एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं, तो ये दो एंगल बन रहा है वन एंड थ्री, इनको क्या बोलते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ये इसके ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट है, राइट. और ये एंगल क्या होते हैं? ऑलवेज इक्वल. तो इसमें तो और भी कुछ वर्टिकली ऑपोजिट बन गए. यस, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बने. यदि मैं नीचे वाले में देखूँ तो एग्जैक्टली सेम. तो ये फाइव इसके वर्टिकली ऑपोजिट है, सिक्स और एट एक दूसरे के ऑपोजिट है वर्टिकली ऑपोजिट. तो हमारे इतने सारे एंगल्स बनते हैं और ये सब एक दूसरे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. अब यदि मैं इस लाइन के ऊपर के दो एंगल वन एंड टू की बात करूं और इस लाइन के नीचे दो एंगल की बात करूं, तो ये दोनों क्या है? इन दोनों लाइन के आउटसाइड में है, तो इनको क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स. सेम वे में यदि दोनों इन लाइन के अंदर वाले एंगल बोलूं, 4 3 5 6, ये सारे एंगल क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल्स. अब ये एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं हमारे, इन दोनों में रिलेशन होता है. एंगल वन जो होता है एंगल फाइव के क्या होता है? बराबर होता है. और इस टाइप के एंगल्स को क्या बोला जाता है? करस्पॉन्डिंग एंगल. तो एंगल वन ऊपर वाली लाइन में करस्पॉन्ड करता है दूसरी लाइन में, एक सेम ट्रांसवर्स कट करिए, तो फाइव और वन और फाइव के करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं. और भी कुछ करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं? यस, बहुत सारे बन रहे हैं. लेट सी, फोर के करस्पॉन्ड क्या है? एट. सेम वे में टू के करस्पॉन्ड सिक्स है, और इसके करस्पॉन्ड में थ्री के करस्पॉन्ड में सेवन है. एंड ये सब एक दूसरे के एंगल्स बराबर हैं, इसलिए हमने सेम कलर में यहाँ दिखाने की कोशिश की, राइट. और क्या सीखे थे? यदि हम ऐसे ये इंटीरियर एंगल, ये अंदर वाले एंगल है दोनों, तो फोर और सिक्स, यदि ये फोर है और सिक्स है, इन इस दोनों एंगल को क्या बोला जाता है? अल्टरनेट एंगल्स. ये फोर का अल्टरनेट क्या हुआ? सिक्स. और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं. और कोई अल्टरनेट एंगल हो सकता है? यस, ये और ये इसका अल्टरनेट हो सकता है, ये दोनों भी इक्वल है. देन अल्टरनेट एंगल्स हमने ये तो इंटीरियर वालों के, ऐसे एक्सटीरियर का देखेंगे अल्टरनेट एंगल्स. देखो इसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा? कौन सा वाला अल्टरनेट एंगल होगा इसका? इसका ये वाला अल्टरनेट एंगल इधर वाला होगा. इस एक्सटीरियर का क्या होगा? ये वाला का ये वाला होगा. तो हमारे अल्टरनेट एंगल इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों होते हैं. अब यदि मैं फोर और फाइव एंगल की बात करूँ, तो मीन्स इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड के एंगल की बात करूँ, तो ये तो पहली बात तो इंटीरियर एंगल है, एंड दोनों इंटीरियर एंगल की बात करते हैं, एंगल नंबर फोर एंड फाइव. तो इस टाइप के एंगल्स को क्या बोला जाता है? इंटीरियर एंगल्स तो हैं, और इसमें खासियत होती है फोर और फाइव का सम क्या होता है? 180. तो मीन्स इस साइड के एंगल का 180 हुआ. सिमिलरली और भी दो इंटीरियर एंगल हैं, थ्री एंड सिक्स, इन दोनों का सम भी क्या होगा?
एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है। तो हमने लाइंस एंड एंगल्स में ये सारी चीजें सीखी। यदि हमको ये याद है तो वी नो एवरीथिंग।